चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं लखनऊ, जहां योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। संगठन के पदाधिकारियों और मंत्रिमंडल के अपने सभी सहयोगियों की मदद से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन किया है, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस परिवर्तन ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। जिस उत्तर प्रदेश की आबादी सर्वाधिक थी, लेकिन जब अर्थव्यवस्था की बात आती थी या प्रदेश में निवेश की संभावनाओं की बात आती थी, निवेश अनुकूल वातावरण से जुड़े हुए मुद्दों की बात आती थी या उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय की बात आती थी, तो इसमें हम लोग प्रथम तीन स्थानों में कहीं नहीं टिकते थे। यही नहीं, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर, आबादी अधिक थी तो बेरोजगारी की दर भी उतनी ही अधिक होगी। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति है कि आज उत्तर प्रदेश निवेश अनुकूल वातावरण बनाने में पूरी तरह सफल रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता में, आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर 15-16 में जो रैंकिंग हमारी 14वें स्थान की थी, आज वह दूसरे स्थान पर है। देश की 2015-16 में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था 5वें-6वें स्थान पर थी, आज वह दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में देश में उभरा है। और प्रति व्यक्ति आय भी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस दौरान जो प्रयास प्रारंभ किए, रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लोक कल्याण के लिए, एमएसएमई या एग्रीकल्चर के फील्ड में जो कार्य हुए हैं, इसके बहुत सार्थक परिणाम सामने आए हैं। और इसका परिणाम है कि आज प्रति व्यक्ति आय भी दुगने से अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 4 वर्ष के अंदर देखने को मिली है। ये जो यात्रा है 4 वर्षों की, यह उत्तर प्रदेश के ओवरऑल परसेप्शन को बदल करके उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया के सामने एक सकारात्मक माहौल देखने को मिला है। इस सकारात्मक माहौल को बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, मेरी टीम के सभी सहयोगियों के परिश्रम और प्रदेश की जनता ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के, जो फील्ड में रहकर के प्रशासनिक टीम के साथ मिलकर के कार्य किया है, एक टीम वर्क जो हर एक क्षेत्र में देखने को, करने को प्राप्त हुए हैं, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के रूप में उभरा है। मित्रों, ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में आज से 4 वर्ष पहले तक केंद्र की किसी भी योजना में उसका कहीं कोई स्थान नहीं होता था। ये सभी योजनाएं आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बननी है, उस समय भी बन सकती थी। याद करिए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था, और उसके उपरांत एक एक करके जो योजनाएं देश के अंदर लागू हुई, उन योजनाओं को समयबद्ध ढंग से तत्कालीन सरकार ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करती, बहुत बड़ा परिवर्तन उस समय किया जा सकता था। सरकारों ने रुचि नहीं दी या उससे पहले उस प्रकार की सोच नहीं थी। केंद्र सरकार के साथ मिलकर के राज्य ने जो उपलब्धियां हासिल की, उसका परिणाम है कि आज हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के अंदर, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र की, प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश नंबर एक स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन जो देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एक अभियान था,
जिसने प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के साथ ही नारी गरिमा का भी जो प्रतीक बना, इसने व्यापक परिवर्तन का कारण सबसे बड़ी चुनौती मार्ग में उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश ने 2017 से जो कार्य प्रारंभ किया, 2,61,00,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण करके देश के अंदर प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। केंद्र सरकार की वे सभी योजनाएं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री उजाला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान की योजना, यानी इससे जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं थी, इन सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश जहां पहले बहुत पीछे हुआ करता था, किसी में 23वें नंबर पर, किसी में 27वें नंबर पर, आज उन सब में उत्तर प्रदेश अपनी एक बेहतरीन कार्य पद्धति के कारण पहले स्थान पर है। तो खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने इस दौरान बेहतर प्रदर्शन किया है। हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अंदर किसानों के हितों के लिए जो कार्य प्रारंभ किए, हम सब जानते हैं कि देश के अंदर किसान राजनीति के एजेंडे का हिस्सा ईमानदारी के साथ 2014 के बाद बना, जब सॉयल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना जैसी योजनाएं लागू हुई। लेकिन लागत का 1.5 गुना MSP किसान को मिले, ये 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे देश के अंदर लागू किया। उत्तर प्रदेश में 2017 में हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी लागू की, रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न का क्रय हमने सरकारी क्रय केंद्रों के माध्यम से करना प्रारंभ किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि DBT के माध्यम से केवल खाद्यान्न का 66,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसान के खाते में देने का कार्य इस दौरान सरकार ने किया। गन्ना किसानों के जीवन में कितना परिवर्तन हो सकता है, ये वही प्रदेश है जो कभी गन्ना उत्पादन में नंबर एक पर था, लेकिन बीच के कालखंड में चीनी मिलों को अपने स्वार्थ के लिए बंद करना, औने पौने दाम पर बेचने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, गन्ना किसानों का 8-8, 10-10 वर्षों से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पा रहा था, राज्य सरकार ने 2017 में जो कार्य पद्धति आगे बढ़ाई उसका परिणाम है कि पिछले 4 वर्ष के दौरान हमारी सरकार 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान करने में सफल रही। और कोरोना कालखंड के दौरान भी हम लोगों ने सभी 119 चीनी मिलों का सफलतापूर्वक संचालन प्रदेश के अंदर किया। ये वे कार्य हैं जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार व्यापक परिवर्तन करने में प्रदेश के अंदर सफल रही और उसका परिणाम हरेक क्षेत्र में देखने को प्राप्त हुआ। प्रदेश के अंदर चाहे वह ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली में प्रदेश ने देश के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त करने का रहा हो, या फिर अन्य हरेक फील्ड में वे व्यापक परिवर्तन करके दिखाए हैं। प्रदेश के अंदर पिछले 4 वर्षों के हमारी उपलब्धियों में यह भी है कि पिछले 4 वर्ष के दौरान ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाया जा सकता था। आज मैं इस बात को बड़े हर्ष और गौरव के साथ कह सकता हूं कि विगत 4 वर्ष में सभी पर्व और त्योहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के अंदर संपन्न हुए। और यही नहीं, 4 वर्ष में प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, बल्कि प्रदेश सरकार ने पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ, प्रदेश में शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई की, वह देश के अंदर एक मानक भी बने और उसके परिणाम देश के अंदर भी और हरेक तबके ने उसको बहुत सकारात्मक भाव के साथ लिया। और आज उसका परिणाम है कि प्रदेश के बारे में लोगों के मन में एक धारणा बदली। आज प्रदेश व्यापक निवेश की उन संभावना का एक सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में बना है, जहां पर पहले कोई आना नहीं चाहता था, असुरक्षा का भाव था, दंगों के कारण संपत्ति की क्षति का भय होता था, आज उसे इस बात का भय नहीं है। आज हरेक देश और दुनिया का निवेशक का पहला निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य कोई दिखाई देता है तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश उसका सबसे अच्छा गंतव्य है।
पुलिस रिफॉर्म के मामले में भी हम लोगों ने इस दौरान अच्छे काम किए। वर्षों से जो मांग होती थी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की, वह हम लोग प्रदेश के अंदर लागू करने में सफल हुए। प्रदेश की राजधानी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम से जुड़ा है। पुलिस के अंदर रिफॉर्म की अन्य जो प्रक्रिया होनी थी, या वहां पर पुलिस कर्मियों के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए, चाहे वह पुलिस लाइन में पुलिस बैरक की स्थापना या पीएसी के जर्जर आवासों के स्थान पर उनको अच्छे आवासीय बैरक के निर्माण की कार्रवाई हो, पुलिस थानों में बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता का हो, ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। हर एक थाने में 1535 थाने, 350 तहसीलों में मेला। प्रदेश के अंदर यह भी प्रयास प्रारंभ किए गए कि जो जर्जर थाने थे वहां पे नए भवनों का निर्माण हो। जिनका क्षेत्रफल ज्यादा था, इस दौरान हम लोगों ने कुछ नए थानों की स्थापना भी प्रदेश के अंदर 59 नए थाने, 29 नई चौकियां, 4 नए महिला थाना, आर्थिक अपराध शाखा के 4 थाने, विजिलेंस के 10 थाने, साइबर क्राइम के 16 थाने और फायर टेंडर के 59 यानी 59 नए केंद्रों की स्थापना भी प्रदेश के अंदर इस दौरान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। अपराध की प्रकृति बदलने के साथ ही प्रदेश के अंदर उस दिशा में नए प्रयास भी प्रारंभ हुए। खासतौर पर 18 जो हमारे रेंज हैं, इन सभी 18 रेंज में नई विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की कार्रवाई को भी प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। और जो एक प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध और अपराधियों के प्रति प्रदेश सरकार की रही है, उसका परिणाम रहा है कि 16-17 की तुलना में अगर हम प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था से उसकी तुलना करें या सुरक्षा के मामले में देखें तो डकैती में 65.72%, लूट में 66.15%, हत्या में 19.80%, बलवा में 40.20%, बलात्कार की घटनाओं में 45.43% की कमी भी देखने को मिली है। प्रदेश ने इस दौरान तमाम अन्य कार्यक्रम महिला सुरक्षा के बारे में, जो मैंने पहले हेल्प महिला हेल्प डेस्क की बात की, इसके अलावा 18 जो हमारे पुलिस परिक्षेत्रीय कार्यालय हैं वहां पर महिला साइबर क्राइम सेल की स्थापना, 18 परिक्षेत्र जनपदों में थाने के समकक्ष एक एक महिला पुलिस चौकी परामर्श केंद्रों की स्थापना भी इस दौरान यहाँ पर संपन्न की गई। प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने के लिए 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना प्रदेश के अंदर इस दौरान स्थापित की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर वर्षों से लंबित यानी दशकों से लंबित जो कृषि की सिंचाई की परियोजनाएं थी, बाणसागर की परियोजना 4.5 दशक से लंबित पड़ी हुई थी। सरकार आने के बाद इस प्रकार की इन सभी परियोजनाओं को पूरा किया गया। 11 सिंचाई की परियोजनाएं अब तक प्रदेश के अंदर जो दशकों से वर्षों से लंबित पड़ी हुई थी उन्हें पूरा करने में हमें सफलता प्राप्त हुई, जिसके कारण प्रदेश के अंदर 2.21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई और 2,35,000 से अधिक किसान इससे लाभान्वित हुए। इस वर्ष के अंत तक हम लोग लगभग 9 अन्य सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहे हैं, जो प्रदेश के अंदर लगभग 16.5 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचन की सुविधा जिसके माध्यम से प्राप्त होने जा रही है और इसके माध्यम से 40,48,000 से अधिक किसान परिवार सीधे सीधे लाभान्वित होने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर किसानों के हितों के लिए इस दौरान अन्य अनेक कदम उठाए गए, खासतौर पर जहां पर उन्हें लाइसेंस फ्री व्यवस्था देने की आवश्यकता थी, खांडसारी उद्योग में लाइसेंस की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरलीकरण करने और उसे निःशुल्क लाइसेंस उपलब्ध कराने की कार्रवाई की। 267 नए ऐसे लाइसेंस इस दौरान उपलब्ध करवाए गए। 220 नई जो मंडी स्थल
निर्मित करने के कार्य हुए। 27 मंडियों के आधुनिकीकरण की कार्रवाई इस दौरान हुई। 291 ई नाम मंडी की स्थापना के साथ 87 लाख किसानों और 84,000 व्यवसायियों को इसके साथ जोड़ने में हमें सफलता भी प्राप्त हुई और साथ साथ मंडी शुल्क को भी 1% कम करने के का कार्य भी इस दौरान किसानों के हित को ध्यान में रख करके और प्रदेश के हित को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने यहां पर किया। देश की अर्थव्यवस्था का आधार हमारा ग्रामीण भारत है, लेकिन ग्रामीण भारत की जनजीवन की स्थिति क्या है? आखिर यहां पर आप बैठे हुए सभी महानुभावों से मैं बहुत उसके साथ कहना चाहूंगा कि यह देश 1947 में आजाद हुआ, 2017 में जब प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आई थी, तब प्रदेश में कई दर्जन गांव ऐसे थे जिन्होंने आजादी के बाद शासन की किसी भी सुविधा का उपभोग नहीं किया था। न वहां सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न स्कूल की सुविधा थी, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, यहां तक कि उन लोगों को वोटिंग का राइट भी नहीं था। देश की संसद के द्वारा कानून पास किए जाने के बावजूद राज्य सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव उन लोगों को शासकीय सुविधा से वंचित किए देती। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर वन्य गांवों को राजस्व गांव के रूप में बदलने, शासन की सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। मुसहर गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, अनुसूचित जनजाति के थारू कोल बाहुल्य गांवों में भी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य और आवश्यकता पड़ी, क्योंकि एसईसीसी के सर्वे में पहले इन लोगों को आच्छादित नहीं किया गया था। 2011-12 के सर्वे में इन लोगों को उपेक्षित छोड़ दिया गया था। हमारी सरकार ने इन्हें विभिन्न योजनाओं से आच्छादित करने के साथ ही वहां पर आवासीय सुविधा के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना लागू की। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी मुसहर गांव, सभी बन्ने गांव, बनटांगिया गांव इन सुविधाओं से आच्छादित हो चुके हैं और प्रदेश सरकार ने नई योजना के अंतर्गत थारू कोल और सहरिया जैसी जातियों को भी अब इससे कवर करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इस दौरान हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त जो आवास उपलब्ध कराए गए मुसहर जाति के 38,112, बनटांगिया गांव के 4,779, कुष्ठ रोगियों को 2,115 आवास उपलब्ध कराने में हम लोगों को इस दौरान मदद मिली और इन योजनाओं ने इनके जीवन में व्यापक परिवर्तन का कार्य भी किया। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में कनेक्टिविटी का एक बड़ा योगदान है और प्रदेश के अंदर भी आप याद करिए, जब 2017 में प्रदेश के अंदर सरकार आई थी तो प्रदेश के अंदर दो बातें बहुत साफ चलती थी, एक सड़क कनेक्टिविटी को लेकर के और दूसरा बिजली को लेकर के। ये मान्यता थी कि अगल बगल के सभी राज्यों में शाम के बाद बिजली चलती थी और जहां से अंधेरा शुरू होता था लोग मानते थे उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई है। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर विद्युत व्यवस्था को बेहतर करने में और बिना भेदभाव के शासन की योजना बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिए और यह कार्य प्रदेश सरकार ने इस दौरान किया। हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे, हर तहसील मुख्यालयों को 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति करने के साथ ही 1,21,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया और 1,38,00,000 ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने में सरकार ने जहां सफलता प्राप्त की, वहीं साथ ही साथ इस दौरान कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, प्रदेश की सीमा नेपाल राष्ट्र से भी जुड़ी हुई है, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली राज्यों से भी जुड़ी हुई है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को भी बेहतर करने, 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने, हर जिला मुख्यालय को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने, तहसील और विकास खंड मुख्यालयों को 2 लेन के साथ जोड़ने,
और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की भी सुदृढ़ीकरण का कार्य सफलतापूर्वक इस दौरान प्रदेश के अंदर करने में सफलता प्राप्त हुई। प्रदेश के अंदर वे क्षेत्र जहां पर जनवरी के बाद से पेयजल का संकट खड़ा होता था, खासतौर पर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से हम लोगों ने बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वहां पर हर घर नल की योजना लागू कर दी है और इस वर्ष के अंत तक प्रयास है कि ज्यादातर गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होती भी दिखाई देगी। यानी ये एक व्यापक परिवर्तन के कारण है, हमने खेत को भी पानी दिया, हर घर को भी शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और यह बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ एक बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में यह कार्य जहां प्रारंभ हो चुका है, वहीं प्रदेश के 30,000 अन्य राजस्व गांवों के लिए भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए डीपीआर की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है और बहुत शीघ्र इन 30,000 गांवों के लिए भी पेयजल की आपूर्ति की कार्रवाई जल जीवन मिशन के अंतर्गत लागू करने का कार्य प्रदेश सरकार करने जा रही है। ये केवल पेयजल की स्कीम लगाना नहीं, 10 वर्षों तक वहां पर इस योजना को सफलतापूर्वक संचालन करने की जिम्मेदारी भी उस कार्यदायी संस्था को निभाना है जो कार्यदायी संस्था इस स्कीम को वहां पर लागू करेगी और यह कार्य यहां पर हम लोग प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक लागू किए हैं। प्रदेश के अंदर निराश्रित गो आश्रय स्थलों के लिए भी प्रदेश सरकार ने व्यापक कार्य योजना बनाकर उसे लागू किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस संबंध में 3 स्कीम पहले से ही लागू की है, जिसमें निराश्रित गो आश्रय स्थल जो प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संचालित हो रही है, जिसमें 5.5 लाख से अधिक गोवंश हमारे पास पहले से निराश्रित गो आश्रय स्थलों में है। दूसरी स्कीम हमारी इसमें है जिसमें सहभागिता योजना के अंतर्गत अगर कोई किसान अपने घर में एक एयरटेक की हुए गोवंश को रखता है तो उस गोवंश को हम एक किसान परिवार को 4 अधिक से अधिक 4 गोवंश तक उपलब्ध कराते हैं तो वह किसान परिवार को हम लोग 900 रुपये प्रति गोवंश हर महीने भी उपलब्ध करवाते हैं। हर महीने इसका भौतिक सत्यापन भी होता है। लगभग 80,000 गोवंश इस प्रकार से किसान परिवारों को उपलब्ध कराए गए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि निराश्रित गौ आश्रय स्थलों से प्रदेश सरकार ने उन परिवारों को जो कुपोषित परिवार है उन कुपोषित परिवारों को एक एक दूध देने वाली गाय भी उपलब्ध कराया, जिसमें गाय के साथ साथ 900 रुपये प्रति माह उन कुपोषित परिवारों को देने की योजना भी प्रदेश के अंदर लागू की गई है और बहुत सारे कुपोषित परिवार इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जिसमें गाय के साथ साथ 900 रुपये प्रति माह उस परिवार को उस सेवा के बदले मिलने हैं। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि वह हर न्याय पंचायत स्तर पर निराश्रित गो आश्रय स्थलों की स्थापना के कार्य को युक्त स्तर पर आगे बढ़ाएगी। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने प्रदेश के अंदर इस दौरान अच्छा काम किया। 60,62,000 से अधिक जो वाद थे उसका निस्तारण किया। 54,000 हेक्टेयर से अधिक लैंड को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने में हमें सफलता प्राप्त हुई और ये भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाई गई भूमि ये हमारे लिए प्रदेश के अंदर निवेश के लिए एक लैंड बैंक का भी काम की, लेकिन साथ साथ यह उन गरीब परिवारों को जिनके पास अभी तक अपना आवास बनाने के लिए कोई भूमि नहीं थी उन्हें भूमि का पट्टा वहां पर उपलब्ध कराने में भी हमें मदद मिली। प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर 2 लाख से अधिक भू स्वामियों को उनकी जिस जमीन पर उनका मकान है उसका स्वामित्व के कागजात भी उन्हें उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई। तो वरासत अभियान के माध्यम से भी 8,87,000 से अधिक ऐसे प्रकरण थे जिसके माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के